इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल गुरुवार को ट्रैचिंग ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने सूखा गीला कचरे का प्रोसेसिंग प्लांट, सीएनडी वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट, लेबोरेटरी प्लांटेशन आदि का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त द्वारा ट्रैचिंग ग्राउंड के एमआरएफ वन सूखे कचरे के प्रोसेसिंग प्लांट से निरीक्षण प्रारंभ किया। यहां पर सूखे कचरे को जो 13 प्रकार से अलग अलग पृथक किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग वह निपटान की प्रक्रिया को देखा। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त रजनीश कसेरा, कंसल्टेंट अरशद वारसी, कार्यपालन यंत्री नर्मदा संजीव श्रीवास्तव, ट्रैचिंग ग्राउंड प्रभारी बीके कुशवा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सब तरीके का यहाँ पर सर्वाइवल है, कटल भी है, जामुन भी है। अभी मानसून के बाद में ये जो हमारा 60,000 वाला है, ये नेक्स्ट मानसून के बाद में लश ग्रीन हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक तो बड़ा हो जाएगा। और यही है कि ये इसी तरीके का फॉरेस्ट पूरे में बन जाएगा, तो बहुत शहर में लोगों के लिए वो हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।